कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, ममता की सरकार हुई, बिहार से हुई, ये सब ने मिलकर गठबंधन बनाया जिसका नाम है इंडिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो कहना ये है कि बेसिकली तो कोई इंडिया नहीं है, वो INDIA है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है। दूसरी बात, ये घमंडिया है, इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के आपस में विचार नहीं मिलते, विचारों में मतभेद है। अब आप देखो, आम आदमी पार्टी अलग ही चल रही है, वो कह रहे कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी और वैसे उनके साथ रहेंगे, दिल्ली में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे लेकिन वैसे हम साथ में रहेंगे, नीतीश कुमार अलग चल रहा है, ममता बनर्जी अलग जा रही है, शरद पवार घर में अलग चल रहा है, अजीत पवार जी भाजपा में आ चुके हैं और शरद पवार कहीं और जा रहे हैं, घर में वो बैठे हैं। तो जनता क्या है सबको समझ रही है, इनके जो संबंध है वो संबंध वैचारिक संबंध नहीं है, और जहां विचार नहीं हो, जहां लालच लोभ दबाव इससे जो संबंध होते हैं उनको हम अवैध संबंध कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अवैध संबंध का एक गठबंधन है। जनता जानती है कि ये सब चोर चोर मोसेरे भाई एक हो रखे हैं।